चोपटाखाल विधानसभा के लिए व्यासघाट सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन बनेगा। प्रदेश के लोक निर्माण, पर्यटन, सिंचाई, लघु सिंचाई, संस्कृति, जलागम प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण और भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजना मंत्री सतपाल महाराज ने अपनी विधानसभा का भ्रमण कर मुख्य अतिथि के रूप में विकासखंड एकेश्वर में राज्य योजना 2020-21 के अंतर्गत ग्राम्य विकास विभाग के अनावासीय भवन के स्वीकृत धनराशि 337.39 लाख का शिलान्यास, उत्तराखंड लघु सिंचाई विभाग नाबार्ड योजना के अंतर्गत निर्मित चेक डैम पोछारी निर्माण लागत 9.7 लाख धनराशि का लोकार्पण किया तथा विकासखंड एकेश्वर में आंगनबाड़ी केंद्रों का सुदृढ़ीकरण हेतु फर्नीचर वितरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। साथ ही मंत्री ने गर्भवती महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट वितरित भी की। सतपाल महाराज ने विकासखंड एकेश्वर भ्रमण के तहत विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग में सड़कों के किनारे नाली निर्माण, सफाई तथा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए स्थानीय लोगों को गैंग में भर्ती कर रोजगार दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने संबंधित लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोगों को सड़क कटान हेतु मुआवजा जल्द देना सुनिश्चित करें कि कोरोना काल में सभी लोगों को घर घर राशन पहुंचाया गया, जिससे लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए महिला मंगल दलों थर्मल स्कैनर वितरित किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार के प्रयासों से कर्णप्रयाग तक रेल निर्माण का तेजी से निर्माण चल रहा है। चोपटाखाल विधानसभा के लिए व्यासघाट सबसे नजदीकी रेल स्टेशन बनेगा। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत हो रहे कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर छोटे स्तर के अनुभवहीन ठेकेदारों को भी विकास कार्य में ठेके दिए जाएंगे। यहाँ पर करोड़ों के हमने विकास कार्य जो हैं अपने चोपटाखाल में जो हैं वो हमने लोकार्पित किए हैं और उनका शिलान्यास भी किया है, लोकार्पण किया है बहुत से योजनाओं का, और इसको हम टूरिस्ट हब बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ एकेश्वर हो गया, कालिंगा हो गया और ज्वालपा देवी को हमने टूरिस्ट सर्किट पर रखा है। और इसके साथ साथ हमने जगह जगह TRH बनाए हैं, सतपुली में TRH बनाया है और एकेश्वर में भी है शायद, और जगह जगह हैं TRH बने हुए हैं जिसमें लोग यहाँ चोपटाखाल में है TRH, और उससे बड़ा फ़ायदा होगा, लोग यात्रा करेंगे और यहाँ की जो वादियाँ, यहाँ की जो सुंदरता है उसका अनुभव प्राप्त करेंगे, कि कोई भी विकास कामों में कमी नहीं आएगी। आज हमने जो यहाँ पर शिलान्यास किया है, लोकार्पण किया है, मैं समझता हूँ कि इससे तेजी से विकास के कार्य होंगे और मैंने आदेश दे दिया है कि लोगों का जो मुआवजा है उसका शीघ्र भुगतान किया जाए। मैंने DMV SY को भी निर्देश दिए हैं कि भाई अपना आप मुआवजा पहले दीजिए लोगों को, उससे लोगों को थोड़ी आर्थिक एक सहायता मिलेगी। और इसके साथ साथ सड़कों का जो रखरखाव है उसमें भी हमने निर्देश दिए हैं कि मलबे को हटाया जाए, सड़कों को साफ रखा जाए और गड्ढा मुक्त रखा जाए, तो उसके निर्देश है। और सड़कों का अलाइनमेंट हम देख रहे हैं, हमने कहा कि भाई आप सड़क का अलाइनमेंट ऐसे करें कि शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर आदमी पहुंच जाए, और उससे फॉसिल फ्यूल की भी हमारे देश के अंदर जो 300 रुपये के दाम बढ़ते जा रहे हैं उसकी भी जो है कटौती हो।